गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अजमेर में हमें सस्ता और अच्छा होटल कहाँ मिल सकता है। तो ये जिस होटल की मैं बात कर रहा हूँ, ये होटल बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही है और एक रीजनेबल प्राइस में है, और यहाँ से दरगाह की दूरी भी ज़्यादा नहीं है, नज़दीक ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सेंटर में एक होटल है, अच्छा होटल है, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखें, इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये अजमेर का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ये जो नाम लिखा हुआ है अजमेर हिंदी में, इसी के सामने यदि हम बात करें, ये मेन रोड चल रहा है और ऊपर ये ब्रिज का काम चल रहा है, और सामने ये घंटाघर जैसा बना हुआ है, आप देखें बिल्कुल सामने ही है। उसी के साथ ये अंदर गली है, ये देखें आप, ये आप देख लें इसको, इसी में आगे बढ़ना है। आइए आगे चलते हैं। सामने से हम यहाँ आते हैं तो ये जैसे आप देखें, ये दरगाह को जाने वाला रास्ता है इधर, और इधर मैं घुमा के आपको दिखाऊँ तो ये आपको घंटाघर दिखाई दे रहा है जो अभी हमने देखा, और ये यहाँ पर एक चौक जैसा बना हुआ है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। इससे हमें इधर ये दरगाह की तरफ जा रहा है, आप देख लें ये जगह, और हमें इधर चलना है। आगे आप देखें, इस गली में अंदर हमारा होटल है, इसमें हमें चलना है। आइए चलते हैं। ये मस्जिद के पीछे की तरफ, ये मस्जिद आपको स्टेशन से भी दिख जाती है, ये गली है, और इस गली को हम देखें तो ये इधर गली जा रही है, ये स्टेशन को गली जा रही है, और हमें इस गली में अंदर चलना है। ये आप देख लें, ये गली है, जैसे हमने बताया इस गली में हम अंदर आते हैं, इस गली से हम अंदर आए हैं, और ये यहाँ आप देख लें, ये पूरा गली का, और हमें यहाँ इस में चलना है लक्ष्मी होटल। सामने एक और गली है, आप देखेंगे तो हमें यहाँ चलना है। आइए चलते हैं ऊपर। ये होटल हमारा, आप देख लें इसको, ये इसका एंट्री है। आइए ऊपर चलते हैं, रिसेप्शन पे आ गए हैं। ये रिसेप्शन है, और ये दरगाह का यहाँ एक अच्छा सा फ़ोटो लगा रखा है सैयद आसिफ अली, और यहाँ ये झूले लाल की फ़ोटो भी है। ये पूरा यहाँ रिसेप्शन है, और ये भाई हम हमारे साथ बात करेंगे। आपका नाम बताएं? मेरा नाम इस्लाम खान है। इस्लाम खान, आप यहाँ पर हैं, आपके यहाँ के मैनेजर हैं क्या? जी जी। तो यहाँ इस होटल के बारे में बताएं, ये होटल का लोकेशन क्या है? होटल लोकेशन बहुत अच्छा है, और यहाँ पर ये मतलब इस लोकेशन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मदार गेट लक्ष्मी बेकरी। नाम लक्ष्मी होटल, होटल का नाम है लक्ष्मी होटल। ओके। और इसमें 32 रूम है, ऊपर 32 रूम है, 32 है। ओके ओके ओके। और क्या रेंज के हैं? रेंज तो वो ये जैसे कि पार्टी के ऊपर है, कोई जैसे 1,800, 1,200, 1,500। अच्छा। पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। एसी कूलर सब है? एसी है, इसमें 16 रूम एसी के है, 16 रूम एसी के हैं, 16 नॉन एसी है, नॉन एसी है। कूलर भी यहाँ होता है? कूलर के भी है, कूलर के भी हैं, और फैन के भी हैं। तो इनका मतलब प्राइस की बात करें तो कहाँ तक होता है? एसी वाला जो है रूम कितने का देते हैं? प्राइस का है एसी का 1,000 से नीचे नहीं है, 1,000 से ऊपर ही है एसी का। हाँ, 1,000 से ऊपर ही है, 1,000 से ऊपर एसी का रूम मिल जाता है। और मतलब कपल आए या फैमिली आए, ग्रुप आए, तो उनके लिए व्यवस्था है? व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। मैं मेरा रूम भी आपको दिखा देता हूँ, और ये रिसेप्शन का पूरा एरिया मैंने आपको दिखा दिया, और ये यहाँ देखें फिर भी एक दरगाह की फ़ोटो लगा रखी है। आइए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, और अभी आपको मैं रूम दिखा देता हूँ। ये 213 नंबर रूम जिसमें मैं रुका था, एक बार आपको मैं, ये मेरा बैग है, और ये यहाँ पर डबल बेड है, और एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई है, पंखा है, लाइट है, और इधर भी वेंटिलेटर है। ये सब हिसाब किताब है, ये आप देख लेंगे। और अटैच बाथरूम है, वाशरूम, ये वाश बेसिन अंदर रूम के अंदर है, और ये अटैच बाथरूम आप देख लें, ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का है। तो ये रूम आपने देखा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो अजमेर आते हैं और जिन्हें होटल, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं होटल की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, होटल तो हमें चाहिए चाहिए रहना पड़ेगा, तो रूम हमें चाहिए, तो यहाँ इसमें एक बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है, तो हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।